नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो सामने देख रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी चारों वेदों के भाष्यकार सिद्धेश्वर पीठ के प्रथम पीठाधीश्वर आचार्य पंडित श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर जयंती समारोह झांसी के प्रथम सांसद 6 जनवरी दोपहर 12 बजे पधारे हुए अतिथियों का स्वागत अभिनंदन राज सेवा मंडल झांसी द्वारा उनकी जयंती पर माला अर्पण कर उनको नमन किया, उन्हें याद किया और एक गोष्ठी का आयोजन किया। आज उनकी जयंती है। झांसी के प्रथम सांसद थे धुलेकर जी। ये सिद्धेश्वर मंदिर का नज़ारा है झांसी का, जो आप देख रहे हैं, भोलेनाथ विराजमान है। दयाल जी जो राजकारी थी उन्होंने कहा बॉन्डी भी बनेगी और आपकी बात सही है। तो मतलब एक व्यक्ति ने कितना काम किया, लेकिन मुझे पीड़ा एक बात की है कि हमने कई बार आग्रह किया कि बनने वाला ओवर ब्रिज जो उन्हीं की जमीन पर सर निकल रहा है उसका नाम आचार्य धुलेकर के नाम किया गया। पहुंचाने का दायित्व है, झांसी की जनता की इच्छा है। जिसने झांसी के लिए सब कुछ दिया, अपने बेटियों को एक एक घर एक एक साइकिल खरीदवाई, उनकी गोद में खेले हुए लोग अपने बेटियों के लिए एक साइकिल एक एक मकान और उनकी नौकरी लगवा दी और कहा तुम अपने पैरों चलना, मेरी सकल और 1200 धुलेकर जी कहते थे 1200 रुपये अपनी पासबुक में रखे और कहा कि जिस 1200 रुपये में ही ब्राह्मण भोज करवा देना, मेरी तेरेमी के काम हो जाए। बका सकल संपत्ति 25% की हिस्सेदारी थी उनकी झांसी की जमींदारी में, सकल संपत्ति उन्होंने जनता को सौंप दी, सरकार को दे दी, विद्यालयों को दे दी। तो इतना सब किया जिसने, उसके नाम पर एक ओवर ब्रिज का नाम रखने के लिए हमें बार बार कहना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है, ये जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है। मेरे कांग्रेस के भी जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, आप सब हैं। यदि ये चूक हमसे एक बार हो गई, क्योंकि पास में चंद्रशेखर जी की अस्थि कलश का स्तूप बना हुआ है, ये बैठे हुए हैं हमारे, हम सब भूल जाते हैं। अकेले नेपाली जी ऐसे व्यक्ति हैं जो झाड़ू लगा के सबसे पहले माला चढ़ाते हैं। जब उनका बलिदान हो गया चंद्रशेखर जी का, तो उनका दाह संस्कार हुआ, उससे अस्थि संचय हुआ, कुछ तो वहीं विसर्जित कर दिया गया उनकी, लेकिन एक कलश लेकर के धुलेकर जी आए। उन्होंने कहा जिस जो जीवन भर मेरे साथ रहा, मेरे पास रहा, मुझे अधिकार बनता है कि मैं अस्थियां ले जाऊं। उनकी अस्थि कलश लाए, उसी ओवर ब्रिज के बगल में आपको एक मीनार दिखाई देगी, उन्होंने अपनी जमीन पर वो वहां रखा, उसके आसपास स्तूप बनाया, वो अस्थि कलश आज भी उसके अंदर सुरक्षित है। उस संपत्ति दान दी तो उतना बड़ा हिस्सा उन्होंने दान नहीं दिया, भारत सरकार को लिखा है उसमें कि इसमें केवल चंद्रशेखर मीनार रहेगी। नगर निगम ने उसमें कई बार उसमें थोड़ा काम करवाया है, आप जाके कभी देख लीजिएगा, उसका भी सौंदर्यीकरण हो और वो मतलब रिसर्च सेंटर के अंदर ही रहे, बाहर से आएगा तो लोग मिसयूज करेंगे, लेकिन उसका सौंदर्यीकरण यदि नगर निगम करवा दे तो एक आजाद चंद्रशेखर आजाद की उन अस्थियों का सम्मान होगा। ये दायित्व तो आप सबका है, हम तो उनके दासानुदास हैं। उस परंपरा के मैं बचपन से जब हम GIC में पढ़ते थे, पहले तो व्यायामशाला पर हमारी 9th हाई स्कूल यहाँ से हुई, तो कक्का उधर से आते थे, तो जंगल था दतियागढ़ से लेकर GIC तक कोई आदमी नहीं रहता था, तो हम उनके टांगा के पीछे पीछे चलते थे। एक साहू का लड़का था एक, हम तो थोड़ी देर जब चलते थे तो उनको दया आ जाती थी,
तो कक्का कहते थे उससे कि क्या नाम था उसका तांगे वाले को, इन्हें आगे बैठा दो। वो ऐसे पूरा जैसे इनके दादाजी बैठते थे ऐसे ही वो बैठते थे। वशिष्ठ जी भी झांसी के 25% के जमींदार थे, तो ये दोनों की बड़ी दोस्ती थी। वो बैठने का तरीका भी एक सही था, तो पीछे नहीं बैठने देते थे। तो हम एक सेवक ही रहे, बाद में श्री अंदोलिका जी जब वो सही छोड़ने लगे तो एक चाबी का गुच्छा था उनके पास, वो उन्होंने उनको दे दिया, कह रहे नहीं तुम तो ये गुच्छा है।